असलकम एवरी वन उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ वो है फ्यू टिप्स रिगार्डिंग एम सी क्यू और बी सी क्यू इन ठीक है तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी लोग जो है मुझसे ये पूछ रहे थे कि टॉक से पहले जाहिर है हमें थ्योरी एग्जाम देना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ हमें टिप्स दे दें तो बी सी क्यू में ऐसा कोई इतनी वो वाली नहीं है टिप्स के मैं बोलूँगी हाँ यार ये टेक्निक होती है ये ट्रिक्स होता है उसके लिए होता ये है कि आप लोगों को पहले जो है करना ये है कि आपके जो तीन सब्जेक्ट्स हैं कंप्लीट डेंचर रोमोवल पार्शल डेंचर और फिक्स प्रस्थेसिस उनकी जो भी आपके पास बुक्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से पहले रीड कर लें अच्छे कॉन्सेप्ट बना लें रटाफिकेशन ना करें ठीक है अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बनाने के बाद आप हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरी अलग अलग बुक से सॉल्व करें ठीक है क्योंकि जैसे आपकी कंप्लीट की बुक है जब जो आप रीड करते हो तो वो आपको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आती है तो उस पर यह है कि आप फर्स्ट रीड दो सेकेंड रीड में आप अपने कॉन्सेप्ट बनाओ उसके बाद उसमें जो जो चैप्टर्स हैं उनके आप अलग अलग बुक से बी सी क्यू करो ठीक है ये नहीं होता है कि आपके वही एज इट इज़ बी सी क्यू एग्जाम में आ जाएंगे बस इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका टॉपिक पे जो है ना अच्छा कमांड हो जाता है तो और आपके पास जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम के बीसी क्यू हैं सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो जो आपके पास सीनियर्स के या कोई भी बी सी क्यू है तो वो ही एज इट इज़ की फॉलो ना करें क्योंकि होता यह है कि हम लोग जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं तो किसी को भी पूरा बी सी क्यू याद नहीं होता है कोई एक सिंगल लाइन डाल देगा कोई उसका लास्ट कुछ वर्ड्स डाल देगा तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं वही की फॉलो करते हैं जो वो लोग लिखते हैं ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं हम लोग करते हैं लेकिन आप जब एक टॉपिक को पढ़ोगे खुद से अच्छा कॉन्सेप्ट बनाओगे तो आपको अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा कि इस टॉपिक पे से क्या क्या पॉसिबल बी सी क्यू हैं जो आ सकते हैं और फिर आपको की ब्रेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है अब देखें हर क्वेश्चन में चार ऑप्शंस तो होते ही होते हैं और चारों ही तकरीबन सही होते हैं या कभी कभी हम दो ऑप्शन में फंस जाते हैं अगर आपकी टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड होगी तो आप फंसेंगे नहीं वहाँ पे और रट्टाफिकेशन नहीं करनी है क्योंकि रट्टे वाला बी नहीं आता इस लेवल पर कॉन्सेप्ट वाला आता है बड़े बड़े सनेरियोज आते हैं तो आपको क्या करना है कि उस टॉपिक का अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उसके बाद आपको मल्टीपल बुक से उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है बी सी क्यू सॉल्व करने हैं उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वो टॉपिक भूलेगा नहीं बी सी क्यू करने का मकसद ये होता है कि वो टॉपिक आप कभी भूलोगे नहीं और जो प्रीवियस बी सी क्यू आपके पास हैं उनकी खुद से बैठ के की बनाएँ उस की पर रिलाई ना करें जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है ठीक है और ऐसे ही आप तीनों जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनके अलग अलग बुक्स से अलग अलग बी करें और फिर उसमें जो है उसके साथ आप ये देखें जो आपके प्रीवियस बी आपके पास हैं किस सब्जेक्ट्स से कितने आ रहे हैं बी ठीक है फिर अब खुद से देखें कि जो है आपको अब किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है अमूमा यही होता है कि आ, कभी कभार रिमोबल पार्शल डेंचर से ज्यादा आ जाता है कभी कंप्लीट से आ जाता है कभी फिक्स से लेकिन सब्जेक्ट्स आपको तीनों कवर करना है ऐसा नहीं करना है कि आप दो पे अपना बहुत अच्छा कमांड रख रहे हैं और एक पो एक सब्जेक्ट को आप साइडेंट करें नहीं ऐसा नहीं होगा है ही तीन सब्जेक्ट्स तो उन तीनों पे ही आपको अच्छी ग्रप बनानी है और जैसे कि रोमोबल पार्शल डेंचर है मैक्रैकन उसमें आपके शुरू वाले ही ग्यारह चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ ग्यारह चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं उनमें से ही चीज़ें आनी हैं तो रोमोबल पार्शल डेंचर का ऐसा इतना बर्डन हुआ ही नहीं ना और मोस्टली जो बी सी आते हैं वो आपके डायरेक्ट रिटेनर इनडायरेक्ट रिटेनर और मेजर और माइनर कनेक्टर से आते हैं इन तीन आ, 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 चैप्टर्स को आप बहुत अच्छा पढ़ लेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रूम पार्शल टेंशन में बाकी जो कंप्लीट टेंशन है वो आपका बहुत ज़्यादा लेंदी है उसको आप वेरी फर्स्ट डे से पढ़ें आराम से एक दो महीने दें और फिर उसके बैठ के बी सी क्यों सॉल्व करें और जब जो है बहुत घुमाती है तो इसलिए आपको करना यह है कि उसको एक दो रीड दें उसके बाद आप जाएं टूवर्ड्स योर बीसीक्यू सी क्यू ऐसे नहीं करेंगे आपने एक रीड दी और आपने बोला भाई हमारा दिमाग घूम गया और हमसे जब नहीं होती आना उसी बुक से ही है आपको एक बार समझ नहीं आती आप सेकेंड टाइम उसको रीड करें थर्ड टाइम आपको जब अच्छी लगेगी आपको लगेगा इससे ज़्यादा अच्छी बुक कोई है ही नहीं कम्पलीट वेंचर की तो ये जो है बीसी क्यू के लिए टिप्स हैं आप जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने मल्टीपल एग्ज़ाम दिए हैं और फिर भी हमारा नहीं हो रहा तो उसका यही करें एक तो लक फैक्टर भी होता है मैंने खुद एग्ज़ाम्स दिए फर्स्ट टाइम में यही हुआ कि मैंने बहुत रटाफिकेशन की और मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे तो ये मेरी अपनी मिस्टेक्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसके बाद सेकेंड टाइम जो है आ, मैंने क्या किया कि पहले बैठ के सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर मैंने बी सी क्यू बुक्स उठाई आखिरी लास्ट मंथ में प्रीवियस बी सी क्यू जो भी मेरे पास बी सी क्यू बुक्स हैं वो मैंने उठाएं और मैंने कभी ये रिलाई नहीं किया कि इन्हीं बुक से आना है नहीं ज़रूरी नहीं है कि आपके वही बुक्स से उठा के दे देंगे बीसी बस आपकी प्रैक्टिस हो जाती है आपके बन जाते हैं सॉल्व करने का मकसद यही है और उसकी की को रटा ना मारें अगर आप बी क्यू भी सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे भी अपना कॉन्सेप्ट बनाएं कि ये पूछना क्या जा रहा है और अगर उसमें ऑप्शंस ए बी सी हैं तो आप ढूंढें कि अगर बी सी डी जो ऑप्शन में नहीं है ऑब्वियसली उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप सोचें और बी सॉल्व करते वक्त फुल फोकस अपना लगाएं ये ना सोचें जैसे अब आप एग्जाम में जा रहे हैं आप पहले ढूंढ रहे हैं कि भाई रिपीट वाले कौन से बी सी हैं पहले हम वो सॉल्व करेंगे ये मेरी मिस्टेक थी ऐसा नहीं होता है आपके जो न्यू बी सी क्यू हैं उन पर ज़्यादा मार्किंग होती है अगर आपका बुक से अच्छा पढ़ा हुआ होगा तो आपको न्यू बी सी क्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी बजाय आप ओल्ड बी सी क्यू रिपीटेड बी सी क्यू एग्जाम में बैठ के ढूँढें Uh, आप सीक्वेंस वाइज करें आपको जो नहीं आता वहाँ पे ऑप्शन होता है स्किप करने का आप एक बार स्किप कर सकते हो आप आखिर में सोचो टाइम मैनेजमेंट बी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन योर एग्जाम आप घर में जब प्रैक्टिस करो अपने बीसी क्यू की तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर रखो आप अपने घड़ी में देखेंगे दो घंटे में आप एक घंटे में आप कितने बी सी क्यू सोल्व कर सकते हो आप एग्जॉस्ट कितने बी सी क्यू पर हो रहे हो ये सारे मकसद होते हैं कि आप जो घर में बैठ कर प्रैक्टिस रह कर रहे हैं बी सी क्यू सोल्व करने की बाकी ये रिलाय ना करें कि हम जो बी सी क्यू सोल्व करके जाएंगे वही एग्जाम में आएंगे ऐसा नहीं होता आप अपने उन तीन सब्जेक्ट्स पे अपनी फुल कमांड रखें हैं ही तीन सब्जेक्ट ना हाँ ये पता है कि आ, कुछ लोगों को काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है लक फैक्टर भी होता है मेहनत तो हर कोई करता है बस थोड़ी सी आप ट्रिक यूज़ करें ताकि जो है सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो और ये ही जो फ्यू टिप्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किए हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बस एक दो दिन में मैं कुछ फिर से टॉक्स की स्टेशन जो है डालूंगी क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल करीब आ रहा है और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगेंगे और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसके लिए मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी और इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई बेसिक सी क्यू क्योंकि ऐसा क्योंकि सच कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है बेसिक क्योंकि फिर भी किसी को मेरी हेल्प चाहिए कुछ भी चाहिए तो मेरा कांटेक्ट नंबर है यहीं पे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें और मैं जितना भी पूल है कुछ भी है तो मैं आप लोगों को दूंगी उसकी की आपको मुझसे पूछनी है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बाकी आ, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो टॉक्स के रिगार्डिंग ही होगी उसका आप वेट करें मैं जल्दी ही वो अपलोड करूंगी तब तक दुआ में याद रखने रखें अपना बहुत सारा ख्याल रखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कॉमेंट करें जो भी आपको प्रॉब्लम है वो मुझसे ज़रूर पूछें तब तक अल्लाह अफ